सहारनपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकाली जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस बाइक रैली को निमंत्रण बाइक रैली का नाम दिया गया है क्योंकि 2 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे हैं, जिसकी मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। इसी को लेकर निमंत्रण बाइक रैली निकाली गई। ठंड को देखते हुए लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने रैनबसेरों का निरीक्षण किया। डीएम जियामऊ और चकबस्त के रैनबसेरे में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यहां ठहरे लोगों से व्यवस्था के बारे में जाना। इस दौरान उन्होंने गंदगी मिलने पर संचालकों को चेतावनी देते हुए साफ सफाई रखने का निर्देश दिया। अभिषेक प्रकाश ने कहा कि किसी भी रैनबसेरे में कोई भी अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने संचालकों को निर्देश दिया कि अगर अभी भी लोग सड़कों पर सो रहे हैं तो उनको रैनबसेरों में लाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इस मौके पर डीएम ने सभी रैनबसेरों के संबंधित क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अपने आसपास के क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर ना सोए और अगर कोई सड़क पर सोता मिले तो उसे रात में ही रैनबसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही अभिषेक प्रकाश ने रैनबसेरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का भी निर्देश दिया। केयरटेकर के मुताबिक इस समय इस रैनबसेरे में 89 लोग ठहरे हुए हैं। इस निरीक्षण के मौके पर डीएम के साथ अपर जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। यूपी में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न वाले मायावती के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बहन जी को यह मालूम होना चाहिए कि हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिए बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का काम किया। धन्यवाद। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का ऐलान होने से पहले नेताओं में पाला बदलने की होड़ मच गई। तमाम दलों में एक दूसरे की पार्टियों में आना जाना लगा हुआ है। इस बीच भाजपा ने सपा बसपा सुभाषपा और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। लखनऊ में इन पार्टियों के तमाम नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, जिनमें सहारनपुर से बसपा के 3 बार के विधायक रहे जगपाल सिंह भाजपा में शामिल हो गए। बलिया में बसपा नेता रहे चट्टूराम ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं बलिया नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अजय कुमार भी भाजपा में शामिल हो गए, जबकि बस्ती में सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राणा दिनेश प्रताप, देवरिया में सपा नेता अमरेश कुमार सिंह, कांग्रेस के नेता रहे शैलेंद्र सिंह पप्पू भी भाजपा में शामिल हो गए। वहीं भदोही के सुभाषपा नेता राहुल देव बारी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया, जबकि बदायूं में बसपा नेता जोगेंद्र सिंह राठौर भाजपा में शामिल हुए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निगहत खान और महाराजगंज की समाजसेवी नवनीता पटेल भाजपा में शामिल हुई। वहीं पूर्व अधिकारी आरबी निषाद भी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भाजपा परिवार में वो ही आएगा जिसका आपराधिक इतिहास ना हो, साथ ही वो पार्टी के लिए पोषक हो, शोषक ना हो। वहीं ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य दयाशंकर सिंह ने कहा कि कमेटी ने 100 लोगों की सूची तैयार की थी जिसमें सिर्फ 35 की ज्वाइनिंग हुई है, जबकि लिस्ट में अभी 65 नाम बाकी है। निश्चित तौर पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने की इच्छा रख रहे हैं, सामान्यतः उनका कोई आपराधिक इतिहास ना हो, ये ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके नामों पर विचार कर रही है। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो लोग पार्टी के लिए पोषक हों, शोषक ना बने, इस दृष्टि से भी ध्यान में रखकर ज्वाइनिंग की जा रही है। और अभी तो सूची बहुत लंबी है, प्रक्रिया चल रही है, अभी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई। वो लोग सपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उनका जो है सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है। जो गठबंधन नेचुरल नहीं होता है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। जैसे मायावती जी और अखिलेश जी गठबंधन किए थे, ये दोनों पूर्व और पश्चिम थे, कोई उत्तर और दक्षिण थे, कभी इन लोगों की समानता एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन दोनों मिल करके जो गठबंधन किए तो उनके वोटर, उनके समर्थक, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किए, उनका उन पर विश्वास नहीं किए।